आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें क्या दे रखा है कि उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षा होगी कितनी वैकेंसी के लिए होगी, 8085 वैकेंसी हैं और 7 जनवरी 2022 से आपके आवेदन लिए जाएंगे। ठीक, मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ आपको कि कौन से वाले लिए जाएंगे। ये उनके लिए जाएंगे जिन्होंने पैट दिया था। क्या दिया था? PET प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, और पैट की कोई भी इन्होंने परसेंटेज डिसाइड नहीं किए, सभी डाल सकते हैं। जिसके 30%, 40%, 50% जितने भी हैं सब डाल सकते हैं। पहला पॉइंट, जो टोटल वैकेंसी है उनमें 8085 वैकेंसी, 3271 पद वो जनरल वालों के लिए, SC के लिए 1690, ST के लिए 152, OBC के लिए 2174 और EWS, कौन सा EWS कैटेगरी में कितने हैं, 798 पद हैं। योग्यता क्या रहेगी आपकी? इंटर पास और CCC नहीं है। सबसे मेन बड़ी बात, CCC नहीं मांगी है, ठीक है भाई। और एज में जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष है। ऐसे ही जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। वेतन देख लो, 5200 से 20000 ग्रेड पे वेतन, 2000, ठीक, ये आपको मिलने वाला है। जो फीस रखी गई है वो सभी के लिए समान 25 रुपये रखी गई है। कोई भी हो उसे फीस 25 रुपये देनी है, मात्र 25 रुपये, ठीक है। जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आवेदन आपका कैसे लिया जाएगा? जो पैट परीक्षा दी होगी आपने तो उसका पंजीकरण नंबर होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी से होगा आपके। दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, व्यक्तिगत विवरण और OTT के माध्यम से लॉगिन किया जा सकेगा। लॉगिन के बाद पहले भाग में नाम, पता, आरक्षण की श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल भरना होगा। इसके साथ ही चरणवार पूरा विवरण ज़रूरत के आधार पर देना होगा। सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये रखा गया है, और जो नेट बैंकिंग से भी डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI के ई चालान द्वारा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फ़ीस समायोजित बैंक द्वारा नहीं की जा सकेगी। जब तक आपकी फ़ीस नहीं कटेगी तब तक आपका प्रिंटआउट नहीं निकलेगा, ठीक है। शुल्क 28 जनवरी तक भरा जाएगा, और 4 जनवरी तक क्या है उसमें करेक्शन किया जा सकेगा, जो कि आपकी साइट दे रखी है, UPSSC.gov.in पर जाकर आवेदन शुरू हो जाएंगे 7 जनवरी 2022 से। 28 जनवरी लास्ट डेट है, 28 जनवरी फीस की है और संशोधन की है 4 फरवरी, ठीक है भाई। सिलेबस आपका पता ही चल गया होगा, परीक्षा 100 अंकों की होगी, प्रत्येक गलत सवाल पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग है। कुल 2 घंटों की परीक्षा होगी, मतलब 120 मिनट। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है, एक प्रश्न एक अंक का होगा और 25-25 चार सेक्शन पूछे जाएंगे। हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज, जिसे बोलते हैं ग्रामीण प्रवेश, कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है भाई। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब